पाकिस्तानी आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जी बोलने का बचाव किया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने। मेरा यूथ मेरा गौरव नामक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पाकिस्तानी आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को जी बोलने पर एक बार फिर मीडिया में बवाल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बचाव में खड़े नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बचाव में कहा, रविशंकर मुरली मनोहर जब जी बोलते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। आइए सुनते हैं क्या कहा राष्ट्रीय महासचिव ने। जब रविशंकर प्रसाद जी बोलते तब आप क्यों चुप रहते हैं? जब मुरली मनोहर जोशी जी उनको श्रीमान कहते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं? ये मीडिया क्यों चुप रहती है? राहुल जी के बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में तो आप लोग बढ़ चढ़ कर डिस्कशन करा लेते हैं। रविशंकर प्रसाद जब उनको सम्मान के साथ बोलते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं? उनसे क्यों प्रश्न नहीं करते? भाजपा के लोगों से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनकी असफलताओं को छिपाने का केवल ये कुटिल प्रयास है। रोजगार मिला नहीं, 15 लाख रुपए आए नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो इस असफलता को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं। जब हाफिज सईद के बारे में रविशंकर प्रसाद जी ने जी बोला तब आप क्यों चुप हैं? क्या आपके चैनल ने चलाया ये? क्यों नहीं चलाया? मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे आप?